डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टारगेट नीट यूजी में बेस्ट रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। नीट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नीट का पैटर्न क्या है, नीट की लेवल क्या है, नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एक ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री से नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं और इन 45 क्वेश्चंस में अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से आते हैं। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, पार्ट 2 और पार्ट 3 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट 2 और पार्ट 3 से आते हैं। पार्ट 1 से अराउंड 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 2 से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 3 से 6-7 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट 4 से अराउंड 3-4 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पार्ट 2 और पार्ट 3 से पूछे जाते हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, नोमेनक्लेचर की बात करें, तो नोमेनक्लेचर में आपको IUPAC बेस्ड नोमेनक्लेचर्स को देखना होगा। आपको IUPAC रूल बेस्ड जो नोमेनक्लेचर्स होते हैं आपको वो देखना होगा। आपको अभी लास्ट टाइम में करना क्या है कि IUPAC के सारे रूल्स को रिवाइज कर लो और ऑल टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर्स एक एक बार आप देख लो। एकदम रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा प्रोबेबली वो बन जाएगा, ठीक है। तो एकदम रूल बेस्ड आपको क्या करना है, रूल्स देख लेना है, रूल्स के ऊपर एक प्रैक्टिस कर लेना है। सेकेंड है इसी में आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से आप देखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका कंडीशन ऑफ टॉटमेरिजम्स ये पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट टॉटमेरिज्म में ही आप देखोगे इनॉल कंटेंट का ऑर्डर अरेंज करते हैं, तो इनॉल कंटेंट के ऑर्डर से क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर जब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आते हो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां से बच्चे क्वेश्चन रहते हैं, है ना बच्चों, यहां से क्वेश्चन रहेगा कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देन RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चंस रहता है, है ना। RS कॉन्फ़िगरेशन आप देख लोगे, यहां पे आप देखोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, काइडल कार्बन्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। तो आप क्या करोगे, आप ये सब कुछ देख लेना है। एनेंसियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स और मेसो बेस्ड क्वेश्चंस ये आपको देखना है, यहां से क्वेश्चंस रहते हैं। देन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मैंने बात किया अभी आपको, आपको ये सब कुछ देख लेना है, ठीक है। फिर हम लोग अगर कन्फर्मेशनल वाले साइड में देखें तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के साइड से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, एन ब्यूटेन एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, यहां पर क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के तरफ में आपको देखना है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स के क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये आपकी पार्ट 1 से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत कम टाइम बचा है, आपको क्या करना है, टू द टॉपिक पढ़ना है, इन सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिविजन कीजिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ हम चले तो पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 से प्रोबेबली 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन टॉपिक पे ध्यान देना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये पहला, एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर ऑर्डर्स पूछे जाते हैं लगभग हर दूसरे तीसरे साल में, यहां से क्वेश्चंस रहता है। तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहने का आपका चांस यहां से होता है, ठीक है, इस टॉपिक से होता है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से।
तो आपको ये देख लेना है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट में दिख जाएगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और कार्बन के फ्री रेडिकल्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको देख लेना है। यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट में आपको दिखेगा, और हाइपरकंजुगेशन के इफेक्ट से भी हम लोग देखते हैं, हाइपरकंजुगेशन भी बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बोएनायन के बारे में, तो ये आप देख लोगे, ठीक है। देन अगला जो टॉपिक है वो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी एंड बॉन्ड लेंथ के ऊपर में। बॉन्ड लेंथ के ऊपर में क्या करो, जितने भी आपके नीट और AIPMT जब होती थी तब की जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को आप फिल्टर्ड करो बॉन्ड लेंथ के, और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस को आप देखो, एरोमेटिसिटी में क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि आपको सबस्ट्रेट दे देगा, और सबस्ट्रेट देकर के प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट के एरोमेटिक नेचर के बारे में बात करेगा, तो आपको देखना है कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है, है ना, एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में जानना है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानना है, तो ये सब आपको देख लेना है, इन सब टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहते हैं। देन आता है ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में, आप जान लो कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सीरीज के ऊपर में, राइट, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सीरीज के ऊपर में, ये आपका फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है। और आप देखो जब AIPMT होता था और नीट में प्रीवियस ईयर में, आप जाकर के देखो मोर देन 10 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टॉपिक पे, जो कहां से सॉल्व होता है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग सीरीज से सॉल्व हो जाता है, तो ये आपको देख लेने हैं। उसके बाद आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यहां से भी आपको क्वेश्चन दिखता है, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये आपको एच इफेक्ट में दिख जाएगा, ये दोनों ही टॉपिक आपको एच इफेक्ट के एप्लीकेशंस में दिख जाने हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये एकदम कर देना है। फिर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेने हैं कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कैसे होते हैं, ये आपको देख लेना है। तो ये आपका होता है पार्ट टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और यहां से क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल देखे जाते हैं, ठीक है। फिर हम अगला बात करें पार्ट थ्री के तरफ में आ जाएं, तो पार्ट थ्री में आपको क्या देखना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में आपको देखना है कि 6 से 7 क्वेश्चंस हर साल एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है ऑर्गेनिक वाले साइड का नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन है वो है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली आपको एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड्स में दिखेगा। एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड्स के हैलोजन्स के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन, आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस, है ना, HgSO4 H2SO4 के साथ हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जो होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस आपको देख लेने हैं, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मार्कोनिकोफ रूल वाले जितने भी रिएक्शंस हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो सब देख रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शंस आपके यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपको देखना है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपको कहां पे दिखेगा, आपको दिखेगा एल्कीन में HBr का अटैक इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, है ना, आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल, खरास इफेक्ट कहते हैं हम लोग। इसके बाद आपको देखिएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकोफ वाले रिएक्शन जो होते हैं वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की तरफ में आपके आ जाने हैं। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कंपाउंड शो करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड शो करता है ना। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, उसमें होता है ABCD टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है, ठीक है। जैसे कोई भी एक कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड है, उसके ऊपर में आपका एक NaHSO4 का अटैक हुआ, NaHSO4 का अटैक होकर के A बना, A में फिर हम वाटर डाल दिए तो क्या बना, है ना, ये ABCD टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप कार्बोनाइल से जाकर के देख लो भैया, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देख लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला आपका है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कौन शो करता है, बेंजीन शो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन शो करता है, वहां पे आपको जाकर के देख लेना है कि बेंजीन के रिएक्शंस क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है।
एरोमेटिक वाले साइड में। यहाँ पे आपको हैलोजिनेशन देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन देखना है, नाइट्रेशन देखना है, सल्फोनेशन देखना है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन का अल्काइलेशन वाला पार्ट देखो, अभी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है वहां से, ठीक है। एन प्रोपाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवाता है, क्यूमीन का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में देखे जा रहे हैं, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका एस्टर रिएक्शन कौन शो करता है, ये एल्केन शो करते हैं। तो एल्केन्स में आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन रिएक्शन और नाइट्रेशन, ये दोनों रिएक्शन को देखने हैं। ऑर्डर ऑफ एल्केन्स टुवर्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स टुवर्ड एल्केन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। वहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, एच शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट, वन टू मिथाइल शिफ्ट, ये देख लेना है, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको एल्केन्स में दिख जाने हैं। एल्केन्स में क्या, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन, ये रिएक्शन आपको देखना है। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में दिख जाएगा। अल्काइल हैलाइड में ये SN1 एंड SN2 दो होता है, ठीक है। तो SN1 SN2 में आपको देखो दो या तीन टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। पहला जो टाइप का क्वेश्चन हो जाता है वो होता है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 और SN2, ठीक है। 3 डिग्री वाले जो होते हैं वो SN1 के तरफ चले जाते हैं, और जो आपके मिथाइल हैलाइड्स होते हैं वो आपके SN2 के तरफ चले जाते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 SN2 पहला। दूसरा आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि कहां पे रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बना और कहां पे इन्वर्सन प्रोडक्ट बना, है ना, आपको ये देखना है। ये बहुत पूछा गया है, रेसमिक मिक्सचर और इन्वर्सन वाले क्वेश्चन पे, बहुत वाले टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपने देख लेना भैया अच्छे से, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। फिर है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो E1 और E2 दो टाइप का होता है, E1 और E2। तो रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड E1 एंड E2, ये आपको देखना है। फिर कुछ एक एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देख सकते हो, जिसमें आपके डिहाइड्रेशन रिएक्शन है एल्कोहल वाले, वो आपको देख लेने हैं, है ना। ये कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन आपका उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, असेंडिंग सीरीज की रिएक्शन होती है, ये आपको देख लेना है। इसका मैकेनिज्म के साथ आपको देख लेना है, इसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो। हैलोफॉर्म रिएक्शन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है। यहां से बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड वेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। देन एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। राइमर-टाइमर रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन की जो इंटरमीडिएट होती है ना, कार्बीन, यहां से क्वेश्चन देखा जाता है। देन आपका ये दोनों क्लिमेंसन एंड वुल्फ किस्नर, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से एल्केन्स बनाए जाते हैं, कार्बोनाइल से एल्केन्स बनाए जाते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मीडियम पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्लिमेंसन आपका HCl एसिडिक मीडियम में जाता है, वुल्फ किस्नर आपका OH- मतलब बेसिक मीडियम में जाता है। तो यहां पे मीडियम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम बेस्ड क्वेश्चन वुल्फ किस्नर और क्लिमेंसन से पूछे गए हैं, तो आप वो एक बार क्वेश्चन देख लो। देन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखो, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, काफी क्वेश्चन आता है। देन कार्बाइलामाइन रिएक्शन, अनदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन होता है, इज इंपॉर्टेंट वन। देन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन ऑफ आपका अल्कोहल्स, जाकर के वहां पर रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड रिएक्टिविटी ऑफ एसिड टुवर्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस, ये पूछे जाते हैं बहुत सारे। देन ओजोनोलाइसिस, एल्केन साइड का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, यहां से बहुत क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये नेमिंग रिएक्शन जो आपके हैं, ये रिएक्शन आप देख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स में द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपको कन्वर्सन बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सॉल्व करके रखना होगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देन कॉन्क HI एक रिएजेंट है, ये रिएजेंट का रिएक्शन आपका
अल्कोहल और ईथर के ऊपर में इनकी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कौन केचई के साथ रिएक्शन अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ, तो ये आपको देख लेना है। देन अगेन NaNO2 और HCl के साथ में आपको रिएक्शन देख लेना है, HNO2 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आपका, है ना। देन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में आपको जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 स्टार्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर में आपको देख लेना है कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस होकर क्या बनता है। बेसिकली अल्कोहल से एसिड के तरफ जाते हुए और एसिड से अल्कोहल के तरफ आते हुए आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे ध्यान रखना है। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड में अगर ध्यान दो तो टॉलरेंस रिएजेंट है ना, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो टॉलरेंस रिएजेंट ये सब पोर्शन जाकर के आप अच्छे से रिवाइज करो। देन आपके PCl5, PCl3 और SOCl2, ये जो रिएजेंट्स हैं इनकी रिएक्शन अल्कोहल और ईथर के साथ बहुत ज्यादा पूछी जाती है, खासकर SOCl2 की रिएक्शन जो है ये डार्जेंस प्रोसेस में रिएक्शन आता है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। PCl3, PCl5 और SOCl2 का रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल के साथ में। देन अगेन HIO4 का रिएक्शन आपको, HIO4 का रिएक्शन आपको ग्लाइकॉल्स के ऊपर में दिखेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए दिखता है HIO4 का, तो ग्लाइकॉल्स का ऑक्सीडेशन हम लोग HIO4 से करते हैं, वहां पे आपको जाकर के देख लेना है। देन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स है ना, यहाँ पे भी आपको अल्कोहल के ऊपर में ये ज्यादातर आपको दिखता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो ये आपको देख लेना है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, इन ये रिएजेंट्स का आप रिएक्शंस पहले अच्छे से रिवीजन करो, बहुत ही अच्छे से देखो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और एकदम टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग फोर्थ पार्ट को देखें, तो फोर्थ पार्ट जो हम लोगों का है वो है बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन मेथड एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से आप देखो तो 3-4 क्वेश्चंस हमें सब अक्सर पूछे जा रहे हैं, हर साल 3-4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी को, क्या फॉलो करना है एनसीईआरटी को, ये टॉपिक्स आप एनसीईआरटी से पढ़ो तो बेस्ट होगा, मतलब बस एनसीईआरटी ही पढ़ो इस टॉपिक के लिए, ठीक है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मेनली ये देखो आपके बायोलॉजी में कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग सुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, एमिनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, ये टॉपिक को आपको कवर करना है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन्स की डिफिशियंसी के बारे में ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप देख लो भाई, ये अब बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी का बेस्ट टॉपिक है, तो बायोलॉजी में अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ते चलो, ठीक है। और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व करो, ये सबसे इफेक्टिव होगा कि आप ये पार्ट फोर वाला जो टॉपिक है ना, ये पार्ट फोर वाले में आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। देन आपका अगला जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप देखो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपकी इकोलॉजी में मोस्ट ऑफ ये आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं देखना होगा, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए देन आता है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन दिखता है पॉलीमर्स, 11 स्टार्ट टॉपिक है, 11 स्टार्ट टॉपिक मतलब क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा, हर साल एक क्वेश्चन पॉलीमर से आता ही है, ठीक है। पॉलीमर्स में क्वेश्चंस क्या आता है, पॉलीमर्स में क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, एग्जांपल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉलीमर्स, आपको मोनोमर्स पूछेगा, पॉलीमर्स का मोनोमर्स आपसे पूछेगा, है ना, ये आपको देखना है हमेशा। जैसे नियोप्रीन का मोनोमर्स हर साल पूछा जाता है, 3-4 बार अब तक आ गया है, ठीक है। देन आपका ये पॉलीअमाइड्स है ना, पॉलीस्टर्स, सिंथेटिक एंड रबर, नेचुरल रबर, इन सब टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चन आपसे आते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से देख लो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखना है, मोनोमर्स देखना है, ठीक है। देन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो यहाँ पे यूज ऑफ मेडिसिन देखो, ठीक है, अब बस यूज देखो, स्ट्रक्चर्स मत देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिन नहीं पूछने वाला आपसे, आप क्या करो यूज ऑफ मेडिसिन देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स आप देख लो, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक है ना, एंटीपायरेटिक एंड ट्रांसकोलाइजर, इन सब के आप क्या, इन सब के आप एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स सबके आप याद करके रखो, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, तो प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन मेथड पे आप लेसनाई टेस्ट, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, लेसनाई टेस्ट, यहाँ पे नीट में क्वेश्चन ये आ चुका है,
ठीक है, तो लेसनाई टेस्ट आप देख लो, ठीक है, देन आप प्यूरिफिकेशन मेथड्स आप देख लो, जैसे प्यूरिफिकेशन मेथड्स में आप सिंपल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन मेथड्स, ये सब आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन मेथड्स में आपके क्वेश्चन आ जाने हैं, ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आप देखते चलो, देन आपका आता है क्या, देन आपका जेल्डाल मेथड एंड डूमस मेथड, तो जेल्डाल मेथड और डूमस मेथड्स के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ये न्यूमेरिकल्स बेसिकली आपके मूल कॉन्सेप्ट वाली जो टॉपिक होती है, मूल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक से कंप्लीट हो जाता है, वहां के कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो वहां के कॉन्सेप्ट से ये बन जाता है, ठीक है, तो ये मेनली आपके जो ऑर्गेनिक के पोर्शंस आपको देखने हैं वो यही है। एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर काम करते हैं, और बहुत ही मोटिवेटेड और डेडिकेटेड वे से अगर आप एक प्रॉपर प्रूफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपका रैंक डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।